हम बात कर रहे हैं यूपी अपार्टमेंट एक्ट की। बोर्ड के एक्ट पारित करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इस एक्ट को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। क्या ये निर्देश हैं? देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। जैसा दिखेगा वैसा मिलेगा। इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट को सही ठहराया। एक्ट करेगा सबको सुरक्षित। कानून सभी बिल्डिंगों पर होगा लागू। हाल में ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट को सही ठहराते हुए निर्देश दिया है कि अगर बिल्डर बिल्डिंग प्लान में कोई संशोधन करना चाहता है तो उसे उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। इसके लिए हर मोहल्ले में RWO का गठन किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए साफ कर दिया है कि प्रोजेक्ट के लिए समापन सर्टिफिकेट ना लेने पर डेवलपर को जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा सजा का भी प्राविधान है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। यहाँ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस एक्ट को बिल्कुल सही ठहराया है। हमारे साथ लगातार हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक जी का रुख करेंगे। आलोक जी, कोर्ट के जारी निर्देशों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं? बहुत। कोर्ट ने तो बहुत क्लियरिटी ला दी इस एक्ट में, जो एक्ट किस तरह से पढ़ा जाए, क्योंकि हर अथॉरिटी हर लॉयर अपने तरीके से एक्ट को इंटरप्रेट करते थे। तो सुनील अंबानी जी का बेंच था, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जजमेंट कर दिया कि भैया इस एक्ट का ये मीनिंग है जी। एक आम बायर के पास बहुत बड़ा पावर है, इस पावर को वो लोग ध्यान रखें। उसके बगैर अनुमति के कोई बिल्डर कोई प्लान में छेड़खानी नहीं कर सकता है जी। ये जो लोग जहां RWO या अपार्टमेंट ओनर, अब RWO की बात खत्म हो गई क्योंकि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन आ गया हर जगह, हर अपार्टमेंट के लिए अब एक तरह का हर जगह रूल लागू होगा। लेकिन जो आदमी नया बायर भी अगर कहीं अपार्टमेंट में फ्लैट लेता है, वहां अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन नहीं है, उसके पास भी यह राइट है कि भाई हमारा जो नक्शा जो तुमने टू डिस्क्लोजर में दिया है, और एक इसमें डिक्लेरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर बिल्डर को और अथॉरिटी को ध्यान में रखना है। हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हर बिल्डर से डिक्लेरेशन लिया जाए। डिक्लेरेशन जो बिल्डिंग बन गई है उसको 90 डेज में देना है, जो बिल्डिंग बन रही है सैंक्शन प्लान के 12 महीने में उसको डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना है। 12 मंथ का टाइम इसलिए दिया गया है कि 12 मंथ में उसका बेस ऊपर आने लगता है, उसके बेसमेंट से ऊपर आने के बाद वो क्लियर हो जाता है कि कहाँ स्विमिंग पूल बनना है, कहाँ ग्रीन एरिया है, कहाँ प्लेग्राउंड है, कहाँ ओपन स्पेस है, कहाँ फायर के लिए कितनी जगह दी गई हुई है। तो उस चीज को उसको क्लियर करना है डिक्लेरेशन में। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। FAR अगर वो कोई चेंज करते हैं तो उसको वहां जो लोग हैं जो अलॉटी है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन का वो ऐसा नहीं कि वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो चाहे कर ले, एक तरफा काम होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि मनमर्जी नहीं चल पाएगी। बंसा जी, कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि बिल्डिंग प्लान में संशोधन करने से पहले उस जगह रहने वाले निवासियों से सहमति लेनी जरूरी होगी। पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो जितना भी लैंड अलॉट होती है उसमें एक परमिसिबल, एक एकड़ में मान लीजिए 50 फ्लैट परमिसिबल थे पहले जी, और नए मास्टर प्लान के मुताबिक, नए एक्ट के मुताबिक उसमें 10 फ्लैट और बन सकते हैं जी। अब सबसे पहली चीज तो जिस लोगों ने जब वहां पर फ्लैट लिए थे उन्होंने जो देख के लिए थे यहाँ कितना ग्रीन एरिया है, कितना कमर्शियल एरिया है, क्या 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 ओपन फैसिलिटीज हैं। अब 10 नए फ्लैट इंडक्ट हो जाने से जी, उसके वो को शेयरर बन जाते हैं जी। एक तो उसमें एक NOC जितने ऑक्यूपेंट है मिनिमम 51% लोगों से उन्हें NOC लेना पड़ेगा जी। जब वो NOC देंगे उसके बाद बिल्डर अपना एक प्रपोजल बनाएगा, उस प्रपोजल में या तो उनको आपको जो लुभावनी चीजें जो अभी भी उसमें गैप है हमारे एक्ट में, लुभावनी चीजें क्या देंगे कि आपको कमर्शियल ये बना के देंगे, शॉपिंग सेंटर बना देंगे, इंस्टीट्यूशनल बना देंगे, या आपके टोटल जितने वहां पे फ्लैट्स हैं इनकी रेनोवेशन करा देंगे, या कुछ फाइनेंशियल पैकेज के भी लुभावनी उनको लालच दे सकते हैं। एक बात सर कहना चाहूंगा, इसमें हाईकोर्ट ने क्लियर कहा है कि बिल्डर को प्रपोजल लेके आना पड़ेगा वहां एसोसिएशन के पास, वहां के रेजिडेंट के पास, और कोई एसोसिएशन अकेले अधिकारी नहीं होगा कि हम जो चाहे वो कर ले, उसको वहां की जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर इस बात के लिए लोगों से कंसेंट लेना पड़ेगा। इसलिए कि भाई एक एक आदमी कंसेंट देना मुश्किल रहता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि 51% लोगों का कंसेंट होना चाहिए, तभी वो कोई चीज चेंज कर सकता है। और उसको ये प्रपोजल देना पड़ेगा कि भाई हम आपको या तो एक्स्ट्रा जिम बना के देंगे, या एक्स्ट्रा कम्युनिटी हॉल बना के देंगे, या हर लोगों को 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपया देंगे, जिस तरह से उसका प्रॉफिट शेयरिंग उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो फ्लैट है, जो हमारा कॉमन एरिया में अधिकार है, उस एरिया के अधिकार के ही को कट करने पे ही उसको FAR दिया जा रहा है एक्स्ट्रा।
अलोकेशन आरडब्ल्यू है उसमें जरूरी है टेक्निकल लोग हो जो उसको प्रपोजल को एग्जामिन कर सकें। सर ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं कि उनके पास टेक्निकल लोग नहीं होंगे, लेकिन इसलिए जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जा रही है, उसमें ढेर सारे लोग आएंगे, अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, तब जाकर फैसला ले सकते हैं। सहमति लेना बहुत जरूरी। सौरभ जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या इस एक्ट के सुचारू रूप से लागू होने पर वाकई खरीदारों को फायदा हो सकता है? आपको लग रहा है कि वाकई फायदा होगा? देखिए फायदा तो बिल्कुल मिलेगा अगर बिल्डर इस चीज को लागू करेंगे और अथॉरिटी इस पे लागू करवाएगी इसे स्ट्रिक्टली, तो उन्हें फायदा मिलेगा। क्योंकि आज भी आप देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो प्री लॉन्च में लॉन्च हो रहे हैं, बाद में दिक्कत होती है, बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं चला पाता है, फंडिंग की वजह से कुछ दिक्कत आ जाती है, तो वो अपना पैसा लेके निकल लेता है या दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो जाता है, कहीं और फंडिंग यूज कर लेता है। और आप पुलिस के पास जाइए तो पुलिस कहे कि ये सिविल मैटर है, पुलिस के पास जाइए चाहे आप अथॉरिटी के पास जाइए तो कोई नहीं सुनता उनकी बात, आपकी कॉमन मीटिंग करा देंगे, बिल्डर उनसे कह देगा। धोखा बायस के साथ ही होता है, वक्त की बेहद कमी है और इसीलिए चाहता हूँ कि आप सभी मेहमान इस एक्ट को लेकर एक छोटा छोटा सा अपना रिएक्शन दर्शकों को जरूर दें। सबसे पहले शुरुआत बंसल जी से ही करते हैं। बंसल जी आप क्या कहेंगे? देखिए इस एक्ट में अभी भी जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है जी, अगर इसमें हर आरडब्ल्यूए को रेगुलर बेसिस पे कोई टेक्निकल अपॉइंटमेंट लेनी पड़े कि बिल्डर के ऊपर वॉच डॉग करके जो काम करे। अब हर अनजान आदमियों को आरडब्ल्यू को इतना ज्ञान नहीं है कि उसको टेक्निकली एग्जामिन कर सके, बिल्डर ने जो बना दिया और दो चार पांच लोग अगर बैठ के उसे डिसाइड कर लें, या मैं पूरे के पूरे जनरल बॉडी में वक्त की बेहद कमी। आलोक जी सर मैं तो यही कहता हूं कि बायर को खुद जब अपना आपका पैसा लग रहा है इसलिए आपको कॉन्शियस होना है जी। आप अपने अधिकार का उपयोग जरूर करिए, चाहे बिल्डर हो या अथॉरिटी हो, आप अगर ट्रू डिस्क्लोजर है तो आप उससे मांगिए, क्योंकि आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई दूसरा नहीं आएगा आपको लिए थाली में परोस के। आपके बिल्डर प्रपोजल देते हैं बताना चाहते हैं, बायर्स ऐसे प्रोजेक्टों में ऐसे बिल्डरों के यहाँ बुकिंग ही नहीं कराए जो प्री लॉन्च में है, जिन पर अप्रूवल्स नहीं है, दो चार पैसे 10-20 हजार 50 हजार रूपये कम के चक्कर में वो ऐसे बिल्डर्स के यहाँ बुकिंग ही नहीं कराए, तो उनको नुकसान झेलना ही नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें ही नहीं आएंगी। और अगर बिल्डर के यहाँ बुकिंग करा रहे हैं तो बिल्डर को भी इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, वो जब एग्रीमेंट कराता है तो उसे यूपी अपार्टमेंट एक्ट की भी कॉपी साथ में लगानी चाहिए, उससे बहुत फायदा। बिल्कुल सर बोल दूं कि अगर मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, आरटीआई पे बहुत काम करता हूँ, लोग अगर 50 लाख का फ्लैट लेते हैं तो 10 रूपये के आरटीआई डाल के जरूर पता लगा लीजिए कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं, इसका प्लान क्या है, इसका लैंड यूज क्या है, इसमें क्या एफएआर है, ये जरूर पता लगा लीजिए। चलिए बिल्कुल कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक्ट अगर ठीक ढंग से प्रभावी होता है तो उसका फायदा बायर्स को जरूर मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए बस इतना ही, अगली बार जब मुलाकात होगी तो जानेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जिसकी बुढ़ाई में थी मेलोडी।